Assalamu alaikum to all the students of standard 5th. I am here to teach you Urdu. First of all, let's talk about your third lecture of Urdu. Urdu ke third lecture mein aap tamam bachchon ko hum ki reading aur explanation karwai thi. Half explanation karwai gayi thi aapko Urdu ke third lecture mein. और उर्दू की किताब का पेज नंबर 9 और 10 होमवर्क दिया गया था, जो कि सिर्फ आपको बुक में करना था. ये आज का उर्दू का फोर्थ लेक्चर है. उर्दू के इस फोर्थ लेक्चर में पहले मैं आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करूंगी, जो कि हाफ हम्द की रह. Open your Urdu books. Look at the hamd on page number 7. Page number 7 पर आपको आपकी half hamd दी गई है और इसी half hamd की explanation रह गई थी, जो मैं आज आपको दूंगी. सबसे पहले मैं ये half hamd आपको पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद इसका मतलब समझाऊंगी. मैं जिस वर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, आपने मेरी वॉइस को फोकस करते हुए अपने फिंगर को मूव करना स्टार्ट करना है. जहाँ से स्टार्ट करूँ वहाँ से फिंगर्स को मूव कीजिए, जिस वर्ड पे एंड करूँ वहाँ पे मूवमेंट स्टॉप कर दीजिए. सूरज बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकाम बनाया. ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वा बनाया. तिनके उठा उठाकर लाई कहां कहां से, किस खूबसूरती से फिर आशियां बनाया. ऊंची उड़ी हवा में बच्चों को फिर पर ना भूलें, ऊंची उड़ी हवा में बच्चों को पर ना भूलें, इन बेपरों का उनको रोजी रसा बनाया. क्या दूध देने वाली गाय बनाई तूने, चढ़ने को मेरे घोड़ा क्या खुश आना बनाया. रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयसर, इन नेमतों का मुझको है कदरदां बनाया. आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया. हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया. ये है आपकी हाफ हम्द जो कि रह गई थी एक्सप्लेनेशन के लिए. इसकी रीडिंग मैंने आपको करके बताई है. अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझा रही हूँ तवज्जो के साथ. इस एक्सप्लेनेशन को समझिए. इन अशार में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाकर दुनिया को रौनक बख्शी है, और सूरज से जो तवनाई हासिल होती है उसे कुदरती तवनाई कहते हैं. अल्लाह ताला ने हमारे रहने के लिए हम इंसानों को ये तौफीक दी है कि हम अच्छे मकाब बना सकें. नीले रंग के आसमां पर ये जो प्यारी प्यारी मुख्तलिफ रंग की चिड़ियां चहकती फिरती हैं, चिड़ियां के इस चहकने को कुदरत ने अल्लाह ताला की तस्बीह करने वाला बनाया. चिड़ियां तिनके उठाकर लाई हैं कहां कहां से, और इन तिनकों के जरिए से खूबसूरत परिंदों का घर बनाया. चिड़ियां ऊंची हवाओं में उड़ती हैं, मगर नन्ने नन्ने बच्चों को नहीं भूलती. ये नन्ने नन्ने बच्चे चिड़ियों की चहचहाहट से बहुत खुश होते हैं. अल्लाह ताला ने इन्हीं बच्चों को चिड़िया का रोजी देने वाला बनाया. अल्लाह ताला ने बहुत सी बेशुमार नेमतें और चीज़ें अदा की हैं, जिनमें से एक दूध देने वाली गाय है. दूध के बहुत से फवायद होते हैं, और ये सब कुछ अल्लाह ताला की देन है. बेशक अल्लाह ताला की रहमत से बहुत सी नेमतें मुयस्सर हैं. मुयस्सर का मतलब है वो चीज़ जो आसानी से मिल सके. अल्लाह ताला की अता की हुई इन तमाम नेमतों का इंसान को कदर करने वाला बनाया. अल्लाह ताला ने बहते पानी के अंदर मुख्तलिफ खूबसूरत रंग की मछलियाँ बनाई,
और इन खूबसूरत मछलियों के तैरने को आबे रवा यानी बहता पानी बनाया। इस दुनिया की हर चीज़ से जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, उन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला की हुनरमंदी और दानाई जाहिर होती है। ये कारखाना से मुराद है कि दुनिया अल्लाह ताला की कोई रास्ते की गिरी पड़ी चीज़ नहीं, बेशक अल्लाह ताला एक है और हर चीज़ पर कादिर व कवी है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये है आपकी एक्सप्लेनेशन हम्द की। आज इस फोर्थ लेक्चर में हम्द की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। उर्दू के इस फोर्थ लेक्चर में आप तमाम बच्चों को हम्द का रिटन वर्क दिया जाएगा। अपनी उर्दू की कॉपी खोलें। आप तमाम बच्चों ने मिकाते अव्वल का टाइटल पेज बनाया होगा, इंडेक्स बनाया होगा, हम का टाइटल पेज बनाया होगा और वन पेज राइटिंग की होगी। हम की वन पेज राइटिंग के बाद आप तमाम बच्चों ने हम का रिटन वर्क स्टार्ट करना है। इस रिटन वर्क में आपने वर्ड्स मीनिंग्स करने हैं। टोटल 10 वर्ड्स मीनिंग्स हैं और दिए गए बंद की तशरी हवाले के साथ लिखनी है। काम करने का तरीका कार है। नंबर 1, हर लाइन के बाद 2 लाइंस का गैप देना है। नंबर 2, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में काम करना है। होमवर्क है आपका आज के फोर्थ लेक्चर से रिलेटेड। नंबर 1, अल्फाज मायने लिखेंगे। नंबर 2, बन की तशरी लिखेंगे हवाले के साथ। नंबर 3, अल्फाज मायने और बन की तशरी को याद करेंगे और घर पर अपने पेरेंट्स या ट्यूशन टीचर को टेस्ट देंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ इन होम। अस्सलाम वालेकुम।